हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हाउ आर यू ऑल? और कैसे हैं सब? बढ़िया। कैसा आया हुआ हूँ ऐसे यार, कॉमन था, कॉफ़ी वॉफी पीने का, सैटरडे भी था, बोर हो गया था रूम में ग्लासेस से, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आउटिंग करके आते हैं। अकेले ही हूँ, कोई साथ में नहीं है, और सोचा तो फिर आया हूँ तो व्लॉग भी बना लूँ, कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाएगी। बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि लगेज पैकिंग पे थोड़ी सी गाइडेंस दे दिए, तो वो बता देता हूँ अभी इस व्लॉग में, है ना। तो आप लोग की जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। क्या प्यारा मेन्यू का वो है कवर, फ्रंट कवर, ये है मेन्यू, तो पूरा रशियन में लिख रहा है। मुझे तो आ रहा समझ में, आप लोग को, मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। खराब है क्योंकि यहाँ की एयर में लव है। चलिए जोक सपाट, आपको भी गाड़ी से देता हूँ। चलिए मैं हाँ जी, तो वो लगेज के उससे जो आपके क्वेश्चन थे उसमें आपको देखो बता दूँ कि लाइब्रेरी यहाँ पे है तो बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा बहुत जैसे अभी तो नए नए आ रहे हो तो गर्म टोपे, ग्लव्स, मास्क वगैरह सब लेके आना है ना, मोजे अच्छे वाले। यहाँ काफ़ी ठंड है तो उसमें गर्मी बॉडी मेंटेन करने के लिए ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आते ही अभी -12-13 चल रहा है टेम्परेचर। आप लोग जब तक आओगे नवंबर एंड तक तो ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या हो जाएगी, खाना वाना यहाँ का देखो सूट तो करेगा नहीं शुरू शुरू में, तो थोड़ा सा अचार रख लेना आधा एक किलो, है ना। उसके बाद नमकीन रख लेना, खाने वाने की चीज़ें, और कपड़े रख लेना, 2-3 जोड़ी कपड़े इनफ रहेंगे। फिर यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हो आगे, थोड़ा कॉस्टली रहेगा लेकिन हो जाएगा। जूते शूज़ रख लेना, और बाकी यहाँ अभी तो विंटर चालू हो रही है तो बर्फ़ वाले जूते यहाँ के परचेज़ करने ही पड़ेंगे। जैकेट यहाँ से आप जो घर से लाओगे वो तो थोड़ी बहुत गर्मियों में ही काम आएगी, यहाँ की बर्फ़ के हिसाब से यहाँ के जैकेट लेनी पड़ेगी आपको। बाकी डेली एसेंशियल चीज़ें जैसे टूथब्रश हो गया, ईयरबड्स हो गए, और आपका जो भी एसेंशियल चीज़ें वो रख लेना। लैपटॉप का ये क्वेरी दारी देखो, आप या तो लैपटॉप भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर में पीपीटी वगैरह से पढ़ाई होगी, तो लैपटॉप भी रख सकते हो आप, या तो फिर टैब भी रख सकते हो, आईपैड रख लो या टैब रख लो, कोई भी अच्छा सा कि यहाँ यूज़ आ जाए पढ़ाई में। ज़रूरी नहीं है कि टैब या लैपटॉप ज़रूरी हो, फ़ोन से भी काम हो जाता है, लेकिन जैसे अब जिनको लाना है उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि आप दोनों ला सकते हो, मतलब दोनों में से कुछ भी ला सकते हो, दोनों काम आ ही जाएंगे, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनानी है तो टैब में भी और आईपैड में बनी जाएगी उस इशू से। मैं आपको कि मेडिसिंस ज़रूर रख लेना यहाँ से, जो भी आपको सूट करती हैं, और थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिंस अच्छे से कि साल भर चल जाए, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन मिलती है लेकिन बहुत लोड उसकी मिलती है और महंगी बहुत मिलती है, तो यहाँ काम नहीं करती, मतलब अपनी बॉडी को सूट नहीं करती। तो इंडिया से आप मेडिसिन आपकी ज़रूर याद से ले आइएगा, सबसे एसेंशियल चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप मेडिसिन आपके हिसाब से लेके आइएगा। देखिए वेट मैनेज करके चलिएगा, जैसे मोस्टली यहाँ पे जो आते हैं ना लोग वो अपने वो करा लेते हैं क्या वहाँ अपने, जैसे पाकिस्तान इंडिया से तो इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं तो उसमें 30 kg मिनिमम मिल ही जाता है, फिर बाकी यहाँ लोकल डोमेस्टिक कराते हैं तो डोमेस्टिक में देख लीजिएगा आपका वेट कितना है, तो डोमेस्टिक के हिसाब से वेट लगेगा, नहीं तो यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको एयरपोर्ट पर पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये लगेज में मतलब हैंड कैरी भी रहेगा और वो भी रहेगा, और अगर आप जैसे लैपटॉप ला रहे हैं तो लैपटॉप का बैग एक अलग से साथ में हैंड में रख लीजिएगा, तो उसका जो है ना वेट चेक नहीं होता। ये बैठी हैं वेटर्स और ये चेक कर रही, ये वेट कर रही हैं कि मैं ऑर्डर दूं, लेकिन वो अभी मैंने डिसाइड ही नहीं किया क्या खाऊं, अब वीडियो बनाने में लग रहा था, अब थोड़ा मेन्यू देख के डिसाइड करूंगा फिर दिखाऊंगा आपको क्या ऑर्डर किया है। कॉपीज़ वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इंडिया से, लेकिन यहाँ कॉपीज़ भी मिलती हैं, पेंस वगैरह सब मिलते हैं, तो फालतू लगेज मत बढ़ाइएगा क्योंकि फिर वापस भी तो लेके जाना पड़ेगा ना आपको सामान, तो इसलिए फालतू लगेज मत बढ़ाइएगा, है ना। अब जैसे हमें तो कोई गार्ड करने वाला था नहीं शुरू में, तो हम तो फालतू चीज़ें कॉपी बुक्स सब ले आए थे फर्स्ट ईयर के,
अब वो यहाँ पड़ी हुई हैं, अब या तो मैं उसको किसी जूनियर को सेल करके जाऊँगा या तो फिर वापस ले जाने कोई तरीका ढूंढूंगा। तो इसलिए फालतू वेट मत लाइएगा, जो आपके एसेंशियल चीज़ें बस वही भी लाइएगा, है ना। आप उसमें आपको जैसे टूथब्रश टूथपेस्ट ये सब तो हो ही गया, आप लाओगे, है ना, मसाले मेडिसिन बता दी मैंने आपको। और मेडिसिन देखिए एक मिनिमम एक साल के हिसाब से लेके आइए, क्योंकि आप एक साल तो यहाँ पर रहोगी, तो एक साल के हिसाब से आप लेके आइएगा और एक्सपायरी डेट याद से चेक करके लाइएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना भूल गया मैं, कि वैक्सीन सर्टिफिकेट RT-PCR टेस्ट, तो जैसे आप इंडिया से आ रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हो जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर आप 72 आवर्स के अंदर वाला RT-PCR टेस्ट, मतलब जैसे आपकी कल फ्लाइट है तो आज करा के रिपोर्ट ले लीजिएगा, है ना। आज ही आज में वनडे वाला भी होता है प्राइवेट में, 700-800 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये का साल ना, तो वो वैक्सीन सर्टिफिकेट RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है रिपोर्ट, वरना आपको एयरपोर्ट से ही भगा देंगे वापस, आप फ्लाइट नहीं अटेंड कर पाओगे, है ना। और बगैर उसके यहाँ अब जैसे मान लो आपको दिल्ली में अलाउ कर दीजिए तो यहाँ आके आपको नहीं अलाउ करेंगे, है ना, यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये याद से बना के रख लीजिएगा। ये है फ्रैपेचिनो और ये ऑर्डर किया है मैंने चॉकलावा केक ब्राउनी और ये कप केक केक इन कप ऐसा कुछ है, मुझे नाम नहीं मालूम इसका, रशियन मैंने करा था, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भाई खा पी के तो हो गए फ्री, अब हेयर कट करवाने आए, है ना, हेयर कट करवा के चेंज हॉस्टल गए थे, चेंज वेंज किया क्योंकि गंदे कपड़ों में हेयर कट कराएंगे, हेयर कट करवा के बात करते हैं। हेयर कट ले लिया भाई, कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, चार पांच कैलाश भी साथी हैं, अब तो देखो नया लुक नई शुरुआत जिंदगी की, दाढ़ी अब तो दाढ़ी रखेंगे, हाय हेलो हाय बोलते हुए जा रहे हैं लोकल्स, और अब तो दाढ़ी रखेंगे थोड़ी सी और हेयर कट ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा चेंज आना चाहिए यार लाइफ में, चार पाँच दिन से थोड़ा ऐसे ही चल रहा था मामला, परेशानियाँ थी ये सब था वो था, फिर मैंने सोचा चलो बालों के साथ परेशानी को भी काट के बाहर फेंक देते हैं और नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं बेहतरीन। अब इससे आप वो लड़की के उस मामले मत चले जाइएगा, ये दूसरी जो लाइफ की नॉर्मल परेशानी होती है ना, थोड़ी बड़ी परेशानियाँ थी उस चक्कर में, यही बात है कि परेशानियाँ आएँ तो उनका सामना करो और बस लड़गाड़ते चलो। अच्छा एक बात और बतानी है आपको कि फर्स्ट हेटर मिला भाई, फर्स्ट हेटर यूट्यूब कमेंट पर, फर्स्ट हेट कमेंट आया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अरे यार कहीं पागल वागल है क्या जो इतना खुश हो रहा है हेट आया, तो देखो ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे पास 100 हेट भी आएंगे ना कमेंट्स, और अगर आपका सिर्फ 2 अच्छे कमेंट भी होंगे ना, तो मुझे वो 2 अच्छे कमेंट जो है ना वो दिल जीत लाएंगे। इसलिए यही सीखा मैंने, देखो अब तक तो ये जो एक्सपीरियंस मिला यही सीखा कि नेगेटिव चीज़ें तो होती रहेंगी ज़िंदगी में, क्यों कैलाश भाई, बिल्कुल भाई नेगेटिव तो डेली का ही है लाइफ में आती रहती, वही तो चुनौतियाँ आती रहेंगी, चुनौतियों का सामना करो और नेगेटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों पर आप फोकस करो। जैसे अब मान लो मेरे पास 100 हेट कमेंट आते हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 भी अच्छे कमेंट होते हैं ना, तो ये मत सोचो कि चलो 100, अपन ये सोचो कि चलो 100 हेट कमेंट आए, क्यों, क्योंकि ये अपन से प्यार करते हैं ना, ये अपन को बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत है ये सही नहीं है, उससे सीखो, गुस्सा हो के डिमोटिवेट होना ये छोड़ दो। एक बहुत ही करीबी दोस्त ने सुबह जब मैं उठा थोड़ा उदास ही था, लेकिन जब एक मोटिवेशन बात बोली कि किसी भी परेशानी के लिए परेशानी हो कुछ भी दिक्कत हो तो उसके लिए खुद को क्यों तकलीफ़ देना, तकलीफ़ है या तो टैकल करो या तो छोड़ो साइड हो जाओ, है ना, और बस यही है फेस करते चलो। हाँ बात आई हेयर कट पे, अब मैं बात तो कर लें यार, दिल लोग कहेंगे कि आपने मोटिवेशन देने में लग गया है तो संदीप महेश्वरी, थोड़ा सा सामान लेना डाल के। हाँ तो बात यह है कि 1500 टेंगे लिए बाल काटने के, 1500 टेंगे मतलब ये समझ लो 250-300 रुपये के आसपास, बाल काटने से पहले भी हेयर वॉश करते हैं, बाल काटने के बाद भी हेयर वॉश करते हैं, पूरा सेट वेट करके वैक्स करा के सब देते हैं कंप्लीट, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अब यही है जो है भाई, अब इंडिया में तो 50 रुपये में हो जाता था मामला, है ना, अब यहाँ पे तो यही है, थोड़ा सामान वगैरह लेना था अडाल से वही लेंगे अभी, और फिर पार्क में बैठेंगे थोड़ा सा मूड वूड और फ्रेश करेंगे अच्छे से, फिर पढ़ाई करने बैठ जाएंगे आके हॉस्टल, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है पार्क में, ये देखो ये फिसलने वाली स्लिपरी बर्फ़ है, ये पता है वो वाइट वाली बर्फ़ से इतना दिक्कत नहीं होती जितनी स्लिपरी बर्फ़ से होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ स्लिप करवा के और चोट लग जाती है इसमें, गिर जाओ फट से, मैं तो बहुत बार गिरा हूँ भाई, ठंड भी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन हेयर कट कराया बाल सेट है तो वो टोपा पहनने का मन भी नहीं कर रहा, ये बाल ख़राब हो जाएंगे, पहनना ही पड़ेगा यार मजबूरी है, कैसे मार रहे हमारे आरम भाई कैलाश भाई जो है ना आज बहुत टेंशन में, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है तो आज अफगानिस्तान जीतना चाहिए भाई आज पूरा इंडिया जो है ना अफगानिस्तान के लिए दुआ कर रहा है।
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ करें अफगानिस्तान जीते आज। अफगानिस्तान पे दिल बैठा हुआ है कैलाश भाई का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। वालेकुम अस्सलाम, बाय।